हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है डैंड्रफ को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं और एक हेल्दी स्कैल्प पा सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे डैंड्रफ होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो वीडियो की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। डैंड्रफ प्रॉब्लम सुनने में ये बहुत ही आम लगता है और काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर एक सीज़न में होता है, जैसे कि मॉनसून का सीज़न या फिर विंटर का सीज़न, तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम पूरे साल भर रह जाता है। ये प्रॉब्लम चाहे कितना भी आम हो, लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर डैंड्रफ हद से ज़्यादा मात्रा में होने लग जाए तो इससे स्कैल्प पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। डैंड्रफ होने के बड़े सारे कारण होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर जो आता है वो है ऑयली स्कैल्प। जिस तरह से हमारे स्किन से एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से हमारे स्कैल्प से भी एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जो हमारे बालों को नरिश करता है। लेकिन जब ये ऑयल प्रोडक्शन की मात्रा हद से ज़्यादा होने लग जाए तो इसके कारण डैंड्रफ हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है प्रॉपर हेयर केयर रूटीन मेंटेन ना करना, यानी कि बालों को अच्छी तरह से वॉश ना करना, बालों की अच्छी तरह से केयर ना करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हफ्ता 10 दिन में एक बार बालों को धोते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि गंदे स्कैल्प भी डैंड्रफ होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है मेंटल स्ट्रेस, यानी मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव भी डैंड्रफ होने के एक बहुत बड़े कारण है। डैंड्रफ होने का और एक कारण होता है जो है जेनेटिक, यानी कि अगर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को इस प्रॉब्लम की शिकायत है तो इसके कारण भी आपको हो सकता है। तो ये थी डैंड्रफ होने की कुछ कारण। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। इसके सोल्यूशन के लिए हम बनाएंगे एक होममेड हेयर मास्क, यानी कि एक होम रेमेडी, जिसके मदद से आप अपने बालों से, अपने स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो रेमेडी क्या है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डैंड्रफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हम बनाएंगे एक होममेड हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है योगर्ट यानी दही। सेकंड इंग्रेडिएंट है जिंजर जूस यानी अदरक के रस। और थर्ड इंग्रेडिएंट है लेमन जूस यानी नींबू के रस। सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह से वॉश करके उसे पील ऑफ करके उसका रस निकाल लें। इसके लिए अदरक को अच्छी तरह से आप पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को एक छन्नी की मदद से छान कर उसका जो रस है उसे एक कटोरी में निकाल लें। अदरक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होते हैं जो ईची स्कैल्प और डैंड्रफ के प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये स्कैल्प पर होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस को कम करने में हेल्प करता है। नींबू के रस को निकालने के लिए एक नींबू को बीच में से इस तरह से कट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। अब इस कटे हुए नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका सारा रस एक कटोरी में निकाल लीजिए। नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है। ये स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है और स्कैल्प के एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल्स को भी मजबूत बनाते हैं। स्कैल्प के एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के कारण डैंड्रफ होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इस तरह से नींबू को निचोड़ लीजिए और इसका जो रस है उसे निकाल लें। जब पूरा रस निकालना कंप्लीट हो जाए तो एक स्पून की मदद से इसके जो बीज होते हैं उसे निकाल कर बाहर फेंक दें। अब एक क्लीन बोल लेकर उसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून जितना दही। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन करता है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे अदरक के रस। करीब 2 टेबलस्पून जितना अदरक के रस हम इसमें डाल देंगे। और लास्ट में हम ऐड करने वाले हैं नींबू के रस। 1 टेबलस्पून नींबू के रस हम यहाँ पर ले रहे हैं। तीनों ही चीज़ों को एक बोल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। प्रॉपर तरीके से मिक्स करें ताकि ये एकदम अच्छे से घुल मिल जाए और ये हेयर मास्क प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं।
और हमारा जो एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क है वो भी बनके रेडी हो चुका है। अभी इस हेयर मास्क को लेकर अपने पूरे स्कैल्प पर अप्लाई कर ले। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर स्कैल्प पर स्प्रेड करते जाए। ध्यान रखें कि अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, ये पूरे स्कैल्प पर कोई भी जगह छूटे ना। ये हेयर मास्क आपके डैंड्रफ को रिमूव करने के साथ साथ स्कैल्प को भी अच्छी तरह से क्लीन करेगा और साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को भी मजबूत बनाएगा। इस तरह से आप इसे अप्लाई कर लीजिए जब तक पूरा स्कैल्प कंप्लीट ना हो जाए। जब पूरी तरह से अप्लाई करना कंप्लीट हो जाए तो बालों को इस तरह से एक बन बना ले और इसे एक घंटे के लिए अपने बालों के ऊपर छोड़ दे। एक घंटे बाद बालों को कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश कर ले। तो दोस्तों, आपने देख लिया है इस रेमेडी को बनाना कितना आसान है और इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन में मिल जाएगा। तो इस रेमेडी को तैयार करके हफ्ते में 2 दिन अपने स्कैल्प पर यूज़ करें, कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू यूज़ करते रहे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं हमारे एक और नए वीडियो के साथ।